मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? मैम गुड मॉर्निंग। आई एम मैम, फाइन आई मैम, एम यू आर फाइन मैम, फाइन? व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। एंड देखिए, हम सभी देखिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्वालिटी, इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे जैसे नहीं होते। तो हमने देखिए सबसे पहले एक स्टोरी पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जहाँ पर उसके दलित होने की वजह से उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया जा रहा था। सेकंड, हमने अंसारी फैमिली को देखा जिन्हें कोई भी रेंट पे अपना घर नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजन दूसरा था। तो अभी हमने देखिए, ये देखिए बी आर अम्बेडकर के बारे में किया, बी आर अम्बेडकर का थॉट पढ़ना है हमें छोटा सा। और बी आर अम्बेडकर के बारे में भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के फादर हैं, हेड, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो इनके भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इनके भी साथ अनइक्वली बिहेव किया गया था, याद है ना आप लोगों को? पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, यस इन्होंने yes. जो कुछ अपने ऊपर झेला था, जो कुछ देखा था, ये चाहते थे कि आगे आने वाले टाइम पे बाकी लोगों को वो चीजें ना फेस करनी पड़े। तो इसलिए जब इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा था, तो इन्होंने उन चीजों को ध्यान रखते हुए काफी सारे प्रोविजन बनाए, काफी सारी चीजें उसमें लिखी। अभी देखिए हम इनका थॉट पढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए, अभी मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करती हूँ। मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, और बाई चांस कभी आके आपको कोई बाहर से आके अकेले आपको डांट देता है, बस, तो आपको बुरा फील होता है ना बेवजह? या यस आप सारे खेल रहे हो लेकिन कोई आके सिंगल बट आपको डांट दे अकेले और किसी को ना डांटे, तो आपको बुरा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हमारे अंदर, और हम ये देखते हैं कि सबके बीच में हमें डांट दिया गया तो हमें बुरा फील होता है उस टाइम। तो देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सभी के पास होती है, सभी के अंदर होती है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और उसके बारे में बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, तो देखिए इनका थॉट पढ़ेंगे अभी हम। तो इट इज जस्ट बेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये क्या कहते हैं, आत्मसम्मान को खोकर जीना सबसे बड़ा अपमानजनक है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपने आत्मसम्मान को खो दिया ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, इससे बड़े अपमान की बात कोई और है ही नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान जिंदगी का सबसे जरूरी चीज है। यानी अगर हमारी लाइफ में कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो वो क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इसीलिए तो हम लोग, इसीलिए देखिए क्या करते हैं, सभी कोई ना कोई जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सभी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। विदाउट इट मैन इज अ सीपर, और इसके बिना क्या है, मानव केवल शून्य। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जीरो हो जाता है वो। क्यों? टू लिव वरीडली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कठिनाइयों से बाहर आना होगा, ओवरकम होना होगा। इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन राइज द स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। बाकी क्या बताया, देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट पाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये, देखिए हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान देते रहते हैं, इसके लिए हमें लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं। और उस स्ट्रगल को झेलने के बाद एट लास्ट क्या आता है हमारे पास, हमारे पास ताकत आती है, कॉन्फिडेंस आता है और हमें पहचान मिलती है। ये बी आर अम्बेडकर ने बताया है। इन्होंने बताया कि देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मैंने इन्होंने जो अपनी लाइफ में दिखाया ना उसी बेस पे दिखाया कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और लास्ट में जाके देखिए इन्हें ताकत भी मिली, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और इन्हें पहचान भी मिल गई। हुआ ना ऐसा? यस मैम। ओके, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं ये। मैन इज अ मोर्टल, आदमी कैसा है, खत्म होने वाला है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी पर्सन जिसने भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन तो जरूरी उसकी डेथ होनी है। एवरीवन हैज टू डाई सम डे और अदर, सभी व्यक्ति किसी ना किसी दिन जरूर उनकी डेथ होगी, किसी की आज, किसी की कल, किसी की दूसरे दिन।
but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and is bettering one's human life. तो ये क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तो खत्म होने वाला है, कभी ना कभी तो हमें खत्म मौत आनी है, कभी ना कभी तो डेथ होनी है, चाहे आज चाहे कल चाहे कुछ दिन बाद. तो क्या करना चाहिए, हम सभी को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए उसमें नॉबल आइडियाज लाने चाहिए, यानी कि हमें अपने जीवन को आदर्श विचारों के साथ जोड़ना चाहिए. सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इज बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ, और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मानव जीवन को बहुत ही अच्छा बना सके. नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डेवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और इससे बड़े अपमान की बात कोई भी नहीं होगी कि एक बहादुर व्यक्ति बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जीवन जीता है. तो आपने देखा ये सेल्फ रिस्पेक्ट की कितनी ज्यादा वैल्यू उन्होंने बताई है. सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा सम्मान, तभी तो हम कहीं जाते हैं, हमारी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है. चलिए अभी हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे इंडिया में इक्वालिटी अनइक्वालिटी के मुद्दे, यानी कि हमारे इंडिया में अनइक्वालिटी किस किस फॉर्म में पाई जाती है. यहाँ पर हमने पढ़ा था गरीबी को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के. तो क्या बाकी सारी कंट्रीज में भी इनइक्वालिटी पाई जाती है इंडिया की तरह, यह हमें पढ़ना है आज की क्लास में. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ से इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, तो अन्य लोकतंत्र में असमानता के मुद्दे. इक्वालिटी देखते हैं अभी और बाकी एरिया में कौन सी जगह का हमें एग्जांपल दिया. तो यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज अ इक्वालिटी एंड देयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूस टू एक्सिस्ट. तो अभी आप लोगों को देखिए, आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अभी तक यही आ रहा होगा दिमाग में कि हमारा इंडिया ऐसा था, हमारे इंडिया में लोग भेदभाव करते थे, इतना बुरा होता था पहले के टाइम पे, बाकी सारे कंट्रीज बहुत अच्छे हैं. लेकिन नहीं, बाकी कंट्रीज में भी होता था. द ट्रुथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूस टू बी द की इश्यू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल. तो ये सच है कि और भी काफी सारे देश हैं जहां के लोकतंत्र में, मतलब हमारे पूरी दुनिया में और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इक्वालिटी को लेकर के स्ट्रगल पाए जाते हैं. अब देखिए इसका एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, आप जानते हैं यूएसए आज के टाइम पे कितनी बड़ी कंट्री है, सबसे डेवलप्ड कंट्री. यस मैम, डेवलप्ड कंट्री ही कंसिडर किया जाता है. तो इस कंट्री में पहले के टाइम पे इनइक्वालिटी को लेकर के मुद्दे चल रहे थे. अब किस चीज का भेदभाव करते थे ये लोग, क्या रिलीजन को लेके, या फिर कास्ट को लेके, या फिर गरीबी अमीरी को लेके. तो अभी देखते हैं. तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर इनइक्वालिटी पाई जाती थी. यहाँ पर किसके साथ भेदभाव होता था, अफ्रीकन अमेरिकन. जो लोग अफ्रीका से अमेरिका में आए थे, whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa, continue to describe their lives today as largely unequal. तो ये एफ्रो अमेरिकन लोग हैं जिनके पूर्वज अफ्रीका से खरीद के लाए गए थे, यानी कि अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन लोग जिनके पूर्वज यानी कि उनके दादा परदादा जो रहे होंगे ना, उनको अफ्रीका से खरीद के लाए थे अमेरिका के लोग गुलाम बना के, और वो उन्हें गुलाम बना के खरीद के लाया गया. जब वो अमेरिका में आए तो बस गए, फिर उनके बच्चे हुए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, और अब ये पॉपुलेशन ज्यादा है. लेकिन इस पॉपुलेशन के साथ, इन अफ्रीकन लोगों के साथ जो अमेरिका में आके बसे हैं, इनके साथ वहां पर बहुत ही बुरा बिहेवियर होता है. कैसे, देखिए अभी आगे बढ़ते हैं. तो कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, इनकी बताया है इनके बारे में कि इनकी लाइफ बहुत ही अनइक्वल है, इनकी इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन. तो 1950 में एक आंदोलन चलाया गया था इसलिए ताकि इन सभी को भी बराबर अधिकार मिले, मतलब ये जो अफ्रीकन लोग थे, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स,
इन्होंने 1950 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन क्या इन्हें सफलता मिली? नहीं। तो प्रेयर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे इनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जाता था यूएसए में, और कानून की तरफ से भी इन्हें बराबर नहीं माना जाता था। When traveling by bus, देखिए इसका एक example दिया है। For example, when traveling by bus, जब ये लोग बस में यात्रा करते थे, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person missed to sit. तो इन्हें बस में सबसे पीछे बैठना पड़ता था जो एफ्रो अमेरिकन लोग थे, जो अफ्रीका से आए हुए थे। इन्हें अमेरिका की बस में सबसे पीछे बैठना पड़ता था, और इतना ही नहीं, अगर कोई व्हाइट पर्सन आ जाता था, यानी कि अगर कोई अमेरिकन आ जाता था, तो इनको अपनी सीट से खड़े हो जाना होता था, इनको अपनी वो सीट उस अमेरिकन को दे देनी होती थी। अब देखिए, अब क्या ये स्टॉप हुआ? तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है रोजा पार्क। रोजा पार्क जिनका जन्म हुआ था 1913 में एंड डेथ ईयर 2005 में, वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। तो ये एक ऐसी ही महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, यानी कि ये अफ्रीका की थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू व्हाइट मैन ऑन 1 December 1955। तो रोजा पार्क जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, उन्हीं में से एक जिनके साथ बुरा व्यवहार होता था। अब ये पूरे दिन काम करके, कहीं जॉब करने जाती होंगी, पूरे दिन काम करके थक गई थी, बस में आए बैठे घर आने के लिए। फिर क्या हुआ, एक व्हाइट पर्सन आया, व्हाइट पर्सन ने कहा खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसा वहां का रूल था उसके अकॉर्डिंग अफ्रीकन लोगों को खड़े हो जाना होता था अपनी सीट छोड़ के, जैसे ही कोई अमेरिकन आता था, जैसे ही कोई गोरे लोग आते थे, अमेरिका वाले गोरे होते थे और जो अफ्रीकन आए थे वो ब्लैक होते थे, थोड़े उनका कलर डार्क होता था। तो जैसे ही कोई अमेरिकन आता था इनको अपनी सीट खड़े होकर दे देनी होती थी, लेकिन रोजा पार्क ने मना कर दिया, कहा मैं नहीं दूंगी अपनी सीट। और उसी दिन से फिर स्टार्ट हो गया आंदोलन। तो देखिए, रोजा पार्क पहली ऐसी लेडी थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, जिसने अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था एक व्हाइट मैन को, एक गोरे व्यक्ति को, 1 December 1955 को। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल रेस इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच कम्स टू बी नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। अब आगे देखिए क्या बताया है। तो इनका ये रिफ्यूजल ही था, इनका मना करना ही था, कि उसी दिन से ये आंदोलन स्टार्ट हो गया और आंदोलन छेड़ दिया गया कि नहीं, हमें भी लोगों के बराबर अधिकार दिया जाए। तो जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन थे वो सभी डिमांड करने लगे कि हमारे साथ भी बराबर का बिहेवियर किया जाए। और ये जो आंदोलन चलाया गया था इसे क्या कहा गया था, सिविल राइट मूवमेंट। ओके, अब देखिए ये स्टार्ट, देखिए अभी बेटा कितना टाइम लगा इसे सक्सेसफुल होने में, 1955 से स्टार्ट हो गया ये वाला मूवमेंट और इसे सक्सेसफुल होने में लगे हैं बहुत सारा टाइम, लगभग 9 years लग गए। तो 1964 में एक कानून बन गया, सिविल राइट एक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी देश से, मतलब रेस चाहे नस्ल हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे धर्म हो, सॉरी रेस रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, तो ना तो नस्ल को लेकर के, ना धर्म को लेकर के, ना राष्ट्रीय उत्पत्ति को लेकर के, कि किसका जन्म कौन से जगह पर हुआ है, तो इस बात को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फाइनली ये एक्ट पास हो गया 1964 में और अब सभी को बराबर का अधिकार मिलने लगा। इट आल्सो स्टेटेड दैट All schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate school space set up for them. So, अब इस एक्ट के बनने के बाद अब जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे वो उन्हें दूसरे स्कूल में जाने के लिए भी अलाउ कर दिया जहाँ पर अमेरिकन बच्चे पढ़ते थे। इसके पहले क्या था, इसके पहले वो लोग एक सेपरेट स्कूल में जाते थे जहाँ पर उन्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती थी। However, despite this, is the majority of African American continue to be among the poorest in the country. लेकिन आज भी कंडीशन ये है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल हैं
ये अमेरिका में आज भी गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब। और गरीबी की वजह से अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फियर फैसिलिटी एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कम्पेयर टू व्हाइट स्टूडेंट हु एदर गो टू प्राइवेट स्कूल और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। तो ये देखिए जो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि आज के टाइम पे भी अधिकतर जनसंख्या गरीब है, और यही कारण है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये आज भी उन स्कूलों में जाते हैं, मजबूर है उन स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो ये आज भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर बहुत ही कम फैसिलिटी है एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर है, बहुत पढ़े लिखे टीचर भी नहीं है वहां पर। और जो व्हाइट स्टूडेंट हैं वो कहाँ जाते हैं, वो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, लेकिन उनके वाले गवर्नमेंट स्कूल में भी काफी ज्यादा फैसिलिटी है, उनके गवर्नमेंट स्कूल भी हाईली रेटेड है बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह। तो यानी अभी भी देखिए इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो आज भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, और वो भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती उन्हें। और बजाय इनके जो व्हाइट स्टूडेंट हैं यानी कि अमेरिकन बच्चे हैं जो, वो कहाँ जाते हैं, वो या तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और जिन गवर्नमेंट स्कूल में वो लोग जाते हैं वो भी काफी बढ़िया है। तो आपको समझ आया कैसी कंडीशन है वहां पर एफ्रो अमेरिकन की? यस मैम। तो देखिए यहाँ पर कलर को लेके भी भेदभाव किया गया है, व्हाइट एंड ब्लैक यूज किया गया है। तो क्या हमारे इंडिया में भी कलर को लेके भेदभाव किया जाता था? नो मैम। नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा है, रिलीजन को लेके किया जाता था, कास्ट को लेके किया जाता था, गरीबी अमीर को लेके भी थोड़ा बहुत किया जाता था। क्या कलर को लेके भी किया जाता था? नहीं। आपको पता है अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हो गया था, जब अंग्रेज आए थे ना तो हमारे यहाँ पर इंडियंस के साथ बुरा बिहेव होता था कलर को लेके, क्योंकि अंग्रेज गोरे होते थे और इंडियंस का कलर डार्क होता था। और इसलिए अंग्रेजों के टाइम पे टाउन बनाए गए थे, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। व्हाइट टाउन में केवल अंग्रेज रहते थे, और जहां पर ब्लैक टाउन होता था, जहां पर छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी होती थी, वहां पर इंडियंस रहते थे। चलिए फिलहाल आपको पढ़ना है इसके भी बारे में 8th क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। अभी ये समझ आया जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है? ये आपको पिक्चर दी है रोजा पार्क की, जिसने अपनी सीट देने से मना कर दिया था एक गोरे अंग्रेज को। और स्टार्टिंग इन्हीं की थी और फाइनली 1964 में एक्ट पास भी हो गया। पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15। बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? यस, तो अब हमें क्या पढ़ना है, आर्टिकल 15। आपको पता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मालूम है किसी को? हम इंडियंस के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ मौलिक अधिकार जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। किसी ने सुना है इसके बारे में? मैम जैसे वोट डालने का अधिकार है। यस, तो देख ये फिलहाल आपके हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में दिया भी हो। यस, तो देखिए हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 22 तक लिखा गया है, यही फंडामेंटल राइट्स है। वहां पर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट फॉर एजुकेशन, ये सारी चीजें हैं। मतलब सभी स्वतंत्र हैं, सभी कुछ भी जो भी चीजें चाहे अपना सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं।
दूसरी चीज, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोई इंस्टीट्यूशन चलाया जा सकता है। दूसरी चीज की जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हैं वहां पर सभी लोग जा सकते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे हमें सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट वाला फंडामेंटल राइट्स है, छठा, वो क्या करता है, वो हमें सारे, मान लो अगर ऊपर वाले पांचों अधिकार में से किसी अधिकार को हमें नहीं मिल रहे हैं, या फिर हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनइक्वली ट्रीट कर रहा है, या हमें कहीं कोई जाने से रोकता है, या हमें कोई अपना इंस्टीट्यूट खोलने से रोकता है, या हमें कोई जबरदस्ती किसी और लैंग्वेज में पढ़ने को कहता है, तो उस कंडीशन में जो सबसे लास्ट वाला राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या करता है, ये हमारे उन अधिकारों को प्रोवाइड करवाता है। यानी कि जो सबसे लास्ट वाला अधिकार है उसके अंतर्गत हमें ये ताकत मिली हुई है कि हमारी किसी भी डिमांड को पूरी ना होए, तो मतलब अगर हमें हमारे साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करवा सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15। तो अभी मैंने आपको बताया है 12 से लेकर 22 तक फंडामेंटल राइट्स ही हैं, तो बीच में 15 भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना धर्म को लेकर के, ना नस्ल को लेकर के, ना जाति को लेकर के, ना लिंग को लेकर के, और ना ही जन्म के स्थान को लेकर के। तो इनमें से किसी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा इंडिया में रहने वाले। दूसरी चीज देखिए क्या कहा गया है, द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो जो स्टेट है यानी कि हमारी राज्य सरकार या राज्य, ये किसी भी व्यक्ति के साथ इनमें से किसी भी हाफ पर, यानी कि धर्म, वही सेम चीज दे रही है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगली चीज क्या कहा गया है, नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्डेड टू एसेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और द यूज ऑफ वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। अब दूसरी चीज क्या की क्या कही गई है कि जितने भी सिटीजन है भारत के, उनपे किसी भी आधार पर ये जितनी भी चीजें दी है, मतलब धर्म, जाति, लिंग, इनमें से किसी भी आधार पर उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा, उसे मना नहीं किया जाएगा, ना उसके सामने कोई कंडीशन रखी जाएगी कि तुम इस कंडीशन में जा सकते हो। तो देखिए वो इन सारी चीजों का यूज कर सकता है और इन सभी चीजों का यूज करने के लिए वो योग्य है, उसके सामने कोई हम मना नहीं कर सकते हैं, ना उसके सामने कोई कंडीशन रख सकते हैं। तो वो किन किन चीजों को यूज कर लेगा, जितने भी शॉप हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई, पब्लिक रेस्टोरेंट हैं जितने गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए होटल्स, रेस्टोरेंट, या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट की जो जगह है, जो हमारी सरकार ने एंटरटेनमेंट के लिए जो जगह बनाई है, पार्क वगैरह, तो इन सभी जगहों पर जा सकता है कोई भी व्यक्ति। दूसरी चीज, जितने भी वेल्स हैं, टैंक हैं, बाथिंग घाट हैं, सड़कें हैं, पब्लिक रिजॉर्ट हैं, जिन्हें या तो स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर जैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, एक होता है पूरी तरह गवर्नमेंट और एक होता है सेमी गवर्नमेंट, जिसमें आधा फंड सरकार से लिया जाता है और कोई निजी संस्था चलाती है। तो इन दोनों ही जगहों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। ओके, समझ आया आपको आर्टिकल 15 क्या कहा गया है इसमें? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको पता है अभी आगे 8th क्लास में काफी सारे आर्टिकल याद करने हैं, अभी तो आपको एक ही दिया है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो हमें जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी जगह जाएं अगर हमें अपने राइट्स मालूम होंगे, अपने अधिकार मालूम होंगे, तभी हम जान सकते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ क्या एक्चुअल में। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स सभी को लर्न होने जरूरी है। ओके,
यस मैम, यस मैम। अभी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक मैं होमवर्क देती हूँ, आप सभी को सबसे पहले तो सभी फंडामेंटल राइट्स लर्न करके आने हैं, देखते हैं टोटल 6 के 6 किसको लर्न होते हैं। यस मैम। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप लोगों से यही सुना जाएगा, ओके। और दूसरी चीज जो अभी आज हमने पढ़ा है ना, ये भी चलिए क्लास तो आप देखिए ऐसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग अपना एक्सरसाइज छोड़ेंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे सबसे पहले, लेकिन आपसे फंडामेंटल गाइड सुनने के बाद। चलिए तो अब आगे है लास्ट हमारा टॉपिक, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है, लोकतंत्र के सामने चुनौती क्या है, समस्या। तो नो कंट्री कैन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, तो किसी चीज को हम लोग पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि क्या ऐसा पूरी तरह हो सकता है कि सभी देश के नागरिक बराबर हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं होगा ना ऐसा। क्या क्या सभी तो देखिए कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी, कोई गरीब होगा कोई अमीर होगा, कहीं ना कहीं जरूर किसी ना किसी टाइप का भेदभाव पाया ही जाता होगा। तो इसलिए किसी भी कंट्री को पूरी तरह डेमोक्रेटिक कंसिडर करना ये डिफिकल्ट है, या कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर है। तो देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एक्जिस्टिंग एज वेल एज अ न्यू इशू। तो हर कोई ना कोई ऐसी कम्युनिटी जरूर होगी हर एरिया में जहां पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष जरूर मिलेगा, पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, जहां पर लोग समानता के लिए मतलब लोग संघर्ष कर रहे होंगे, पहचान की चाहत होगी, कोई ना कोई कम्युनिटी ऐसी जरूर मिल जाएगी और कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा जरूर दिखेगा। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंशन। तो इसमें देखिए क्या है, संघर्ष, लोग संघर्ष करेंगे अपनी समानता के लिए, न्याय पाने के लिए, बराबर होने के लिए। और इसके लिए जरूरी क्या है कि वो सबसे पहले सभी लोग एक दूसरे की डिग्निटी मर्यादा का ध्यान रखें, उनकी मर्यादा बनाए रखें। जैसा अभी B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे बड़ी चीज क्या है मानव के जीवन में, सेल्फ रिस्पेक्ट, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ द इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो अभी इस बुक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए अभी पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग इक्वालिटी के बारे में और पढ़ेंगे। ये पढ़ना है कि जो इक्वालिटी है ये हमारी डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करती है। तो एज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अ फैक्ट। तो अभी आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप सोचेंगे इसके बारे में जो इक्वालिटी है वो कैसे लाई जा सकती है और कैसे एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल रखा जा सकता है, कैसे उसे बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें अभी अभी फिलहाल आगे आने वाले चैप्टर में हमें और पढ़नी है। चलिए तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सभी को समझ आया? यस मैम। ओके, और नेक्स्ट क्लास के लिए आपका जो होमवर्क भी है मैंने वो भी सुन लिया सभी ने, आप सभी को फंडामेंटल राइट्स लर्न करनी है। यस मैम। ओके, यस मैम। सबसे पहले आप लोगों से वही सुना जाएगा, सबसे पहले आप लोगों से वही सुना जाएगा फंडामेंटल राइट्स लर्न करते हैं आप लोग। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।